बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डेरिवेटिव ऑफ अ कोशेंट हम मालूम करेंगे कि किस तरह अगर हमें कोशेंट दिया गया हो तो उसका डेरिवेटिव किस तरह मालूम किया जाता है। इसको हम कोशेंट रूल भी कहते हैं। स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इफ़ एफ एंड जी आर डिफरेंशियबल एट एक्स, दो फंक्शन हैं एफ और जी और दोनों डिफरेंशियबल हैं पॉइंट एक्स पे, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो जी फंक्शन है ये ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी कि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये ज़ीरो नहीं हो सकता। ये कंडीशन है, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाए तो क्वेश्चन जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें ये कंडीशन है कि जो जी ऑफ एक्स है वो एक नॉन ज़ीरो फंक्शन है फॉर एनी एक्स। देन एफ डिवाइडेड बाई जी, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इज़ डिफरेंशियबल एट एक्स एंड, और इसका जो डेरिवेटिव होगा नोट करें, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ये इक्वल होगा वन ओवर जी ऑफ एक्स का स्केयर, या स्केयर है। इस फार्मूला को आपने इसी तरह याद रखना, ये बेहतर रहेगा, वन ओवर जी ऑफ एक्स स्केयर इंटू जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसको हम प्रूव करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें प्रूव करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम लेट लेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। अब हम ये करते हैं, इंक्रीमेंट लाएंगे, y प्लस डेल y इक्वल हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा। तो अब सेकंड स्टेप ये है कि इक्वेशन टू में से इस इक्वेशन में से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे डेल वाई रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। अब हम ये करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एलसीएम लेना होगा। तो हम एलसीएम लेंगे तो डेल वाई इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है, न्यूमरेटर में हम एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब हमने न्यूमरेटर में हमने ये किया कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग की है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की, यहाँ पे हमने पहली टर्म के साथ इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया और सेकंड टर्म के साथ यहाँ पे इसकी एडिंग कर दी। अब हम ये करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, अगर हम नोट करें यहाँ पे जी ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे अगर नोट करें हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, तो डेल वाई इक्वल आ जाएगा, और इसको हम डिनोमिनेटर को अलग से लिख लेते हैं ऐसे, जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, इसे हमने अलग से लिख लिया। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे जब, तो हमारे पास हो जाएगा जी ऑफ एक्स, और अनकॉमन फैक्टर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे नोट करें हमारे पास हम माइनस कॉमन लेंगे, ये हमने माइनस कॉमन लिया और साथ एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पे अनकॉमन फैक्टर पास आ जाएंगे जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स
माइनस जी ऑफ एक्स, क्यों हमने माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये था हमारा सेकंड स्टेप फर्स्ट प्रिंसिपल का, तो अब हम ये करेंगे थर्ड स्टेप में, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स। ये हमने डेल एक्स से डिवाइड किया, यहाँ पे हम ये करेंगे, हमारे पास दो टर्म्स हैं, हम अलग अलग यहाँ पे इसके इसे लिख लेंगे, डेल एक्स को जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, क्योंकि डेल एक्स डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स के नीचे हमने अलग अलग लिख लिए, माइनस एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इनटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में अब हम ये करेंगे, दोनों तरफ लिमिट को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो और डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब यहाँ पे अब हम ये करते हैं कि लिमिट जब अप्लाई करेंगे वन ओवर जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब यहाँ पर लिमिट्स के थ्योरम हमने अप्लाई करने हैं, लिमिट न्यूमरेटर में भी अलग अप्लाई होगी और अंदर भी अलग अलग इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इस पे, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वन ओवर जी ओफ एक्स इंटू जी ओफ एक्स इन। और जब हम पहली टर्म पे लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है, डेल एक्स नहीं है, तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी। जब इस पूरे पे क्वेश्चन पे लिमिट अप्लाई होगी, तो बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि ये चीज़ हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगी, माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये भी जब लिमिट अप्लाई होगी तो जी प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो हमने प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, वन ओवर जी स्केयर ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि जी ऑफ एक्स जो डिनोमिनेटर में था। और इस तरह हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन रूल था वो प्रूव हुआ एज प्रूफ। अगर हम इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें और यही जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो कॉम्पैक्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। कॉम्पैक्ट फॉर्म ये होती है कि अगर आपके पास डी ओवर डी एक्स यू ओवर वी हो, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव हमें मालूम करना हो, तो ये इक्वल होगा वन ओवर वी स्केयर इन टू, फिर वी ऐसे ही आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे हम यू का, ये यू का न्यूमरेटर में जो है डी यू बाई डी एक्स, फिर आएगा माइनस, फिर यू एज इट इज़ आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे साथ में वी का। इस फार्मूला को हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, लिखने में आसानी होती है। आज की इस वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।